स्टार्ट 3 2 1। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज खास मुलाकात के लाइव इंटरव्यू के दूसरे पार्ट यानी दूसरे एपिसोड में हम हैं नगर पंचायत नौगछिया के उपाध्यक्ष और समाज सेवी टीएन यादव के साथ। टीएन जी, स्वागत है आपका जीएस न्यूज की लाइव इंटरव्यू में। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमको बुलाने के लिए अपने चैनल पे। कैसा लग रहा है टीएन जी, पहले आप कोई इंटरव्यू फेस किए हैं या इस तरह का लाइव इंटरव्यू जहां लोग आपको देखेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे और आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे? लाइव इंटरव्यू मैंने फेस नहीं किया है, लेकिन फिर संदीप भाई जो हैं दैनिक भास्कर के जी, उनसे मेरी वार्ता हुई थी यूट्यूब पे जी। तो यही है, लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था। अच्छा, चलिए, हम लोग तो सवाल का जब शुरुआत होगा तो लगातार दौड़ चलता रहेगा और किसी भी तरह का अगर दिक्कत आ रही हो आवाज संबंधित वीडियो संबंधित तो कृपया नीचे कमेंट कर जरूर बताएंगे। और एक निवेदन होगा कि आज जो है इंटरव्यू लाइव इंटरव्यू में एक समय का थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया, सर्वर के कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन वापस हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं और आज लाइव में हमारे साथ नौगछिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष टीएन यादव हैं। और मैं आपको बता दूं कि टीएन यादव से आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं और जिसके लिए नंबर है 9709894194 9798-94194। सबसे पहला सवाल, ये टीएन यादव आपका नाम है, टीएन इसका पूरा नाम क्या है? कभी लोगों ने पूछा आपसे कि अब बताएं पहले पूरा नाम। ये नाम मेरे पिताजी रखे थे जी, जब चुनाव आयोग थे टीएन सेशन जी, उनके जन्मदिन पे मेरा बर्थडे उस दिन हम जन्म लिए थे जी। तो इसलिए मेरा नाम टीएन यादव रखा गया। टीएन का पूरा नाम, पूरा नाम टीएन का पूरा नाम है तिरुनल्ली नारायण नय्यर सेशन। क्या बात है, बाप रे, बहुत लोगों को, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी, फिर से एक बार बताएंगे? कुछ हमारे जो लोग हैं वो फिर से जानना चाह रहे हैं। टीएन का पूरा नाम है तिरुनल्ली नारायण नय्यर सेशन। क्या बात है, एक लाजवाब, एक साउथ इंडियन नाम है ये, दक्षिण भारत जी, ये साउथ का नाम है। कभी आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ जिसने आपको पूरे नाम से पुकारा हो? ऐसा बहुत मौका मिला जो कि हम टीएन बोलते थे कि मेरा नाम टीएन है जी। तो ये कौन सा टीएन है? अच्छा, क्या फुल फॉर्म है आप? अच्छा, बताइए। हम नाम बता देते थे, फुल फॉर्म इसका यही है। अच्छा, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, इतना लंबा नाम है। अच्छा, चलिए, सवाल तो चलता रहेगा और जवाब भी हम देते रहेंगे। हम आपको बता दें कि फोन लाइन भी शुरुआत है, अगर आप टीएन यादव से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9709894194 9708-94194 पर कॉल कर सके। पहला सवाल आपके लिए होगा कि लोग आपसे डरते क्यों हैं? टीएन जी, नहीं, हमसे क्यों डरेंगे, हम खुद अपने जीवन में खुशहाली के जीवन हम जिए हैं, हमसे क्यों डरेंगे? हम अभी तक तो युवा हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मेरे पिताजी समाज सेवी थे, बिल्कुल, उनसे लोगों का जितना काम हुआ हम अपने आंखों से देखे हैं, कोई लौट के नहीं गया उनके यहाँ से खाली हाथ, सबका मदद करते थे। लोग हमसे डरते नहीं हैं जी। ऐसा भ्रम फैला दिया जाता है जो असामाजिक तत्व के लोग हैं कि फलना ऐसा है फलना वैसा है, लेकिन मेरे नाम से कोई नहीं डरने चाहिए। एक चीज और, मतलब ऐसा भी होता है कभी स्थिति परिस्थिति आती है जो किसी के नाम पर कोई काम करवा लेते हैं जी, ऐसा बहुत कोई होता है, चाहे वो एक्चुअली हम क्या यहाँ विधायक एमपी के नाम से भी कोई काम करवा लेता है, विधायक के भी नाम से कोई काम करवा लेता है। हम तो एक छोटा सा आदमी है जो कि मेरा भी नाम यूज बहुत कोई यूज कर लेता है, तो हम डायरेक्ट हम अपना समय देते हैं और 9 से 12 बिल्कुल हम भूखे पेट अपने बसा पे रहते हैं समाज सेवा करने के लिए। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे और लोगों के, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ नौगछिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष टीएन यादव हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें फोन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज टीएन जी हम जानना चाहते हैं कि समाज सेवा आपने कब से शुरुआत की? समाज सेवा एक्चुअली हम अपने पिताजी को देखे कि समाज सेवा कर रहे हैं, तो उनसे मेरा ऐसा घनिष्ठ था जो कि एक दोस्त के प्रति था। हम तो बाप बेटा थे, तो लेकिन हम ऐसा माहौल बना दिए कि अपने पिताजी और हम
उनसे दोस्त के सब चीज़ से हम करते थे सारा चीज, ये वो समाज सेवा ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अभी के जो युवा हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आपको फॉलो करते हैं, यानी आपको देखते रहते हैं कि क्या किस एक्टिविटी में कर रहा है? नहीं नहीं, जब से मैं उपाध्यक्ष और पहली बार ही वार्ड पार्षद बने तो उसके बाद हम सीधा फेसबुक पे हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, लोगों का जवाब सुनने देते हैं, लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर देते हैं, चाहे वो मैसेंजर पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, सभी का मैं मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, तो स्वाभाविक बात है इसमें लोग हमको फॉलो करेंगे। नहीं, कुछ युवा ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर तो ऐसा ट्रेंड हो जाता है कि मैं कुछ व्यक्तिगत भी बात करूंगा, हालांकि यह तो चलता रहेगा, कि कुछ लोग आपको इतना फॉलोअप करते हैं कि आप जिस तरह का ड्रेस पहनते हैं तो युवा कुछ लोग उस तरह का ड्रेस भी बनवा लेते हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, युवा अगर जो हमारे हमसे प्रेम खोजते हैं तो हम भी उनको प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं। और उसके बाद रही बात सोशल साइड मीडिया की, जो कि मेरे फॉलोवर हैं, मैं तमाम उन साथियों से और तमाम उन छोटे भाई जो हमको फॉलो करते हैं, मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि कोई भी काम हो नगर पंचायत में, नगर पंचायत नौगछिया में, या हमसे व्यक्तिगत काम हो तो वो भी 9 से 12 के बीच में हम अपने फार्म हाउस पे रहते हैं, काम कर सकते हैं। एक एक मतलब लगातार जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं। गौतम यादव, वेरी नाइस। जेम्स फाइटर का एक सवाल है कि नौगछिया में स्टेडियम कब बनेगा? आप नगर पंचायत के पद पर विराजमान हैं और नौगछिया में खेल खिलाड़ियों को काफी तकलीफ हो रही है, इस पर कभी विचार विमर्श हुआ है? इस पे एक्चुअली जो है नौगछिया नगर पंचायत के तरफ से लिख के भी गया हुआ है, जब मैं बना था तभी मैं लिख के दिया था कि नौगछिया में स्टेडियम बनना चाहिए, वो गया हुआ है लिख के, तो इससे अच्छा है कि इसमें विधायक और हमारे गोपाल मंडल जी, विधायक जो हैं अभी गोपालपुर के जी, उसके बाद एमपी साहब हैं अजय मंडल जी, जी उनका सहयोग अगर जो मिलता है तो शायद स्टेडियम बन सकता है नौगछिया में। अच्छा, एक चीज और एक सवाल था कि नगर पंचायत आपने शुरू की, तो मैं नगर पंचायत की तरफ आता हूं कि नौगछिया नगर पंचायत में 3 गुट है, ठीक है, 3 गुट है, एक गुट में एक गुट के लोग आपके साथ हैं, एक गुट है जो कि अध्यक्ष की तरफ का है, और एक ऐसा गुट है जो कि मतलब वो भी अपने विचार में रहता है, तो 3 गुट होना नगर पंचायत में तो कहीं ना कहीं ये विकास कार्य को बाधा तो नहीं पहुंचा रहा? नहीं नहीं, एक्चुअली नौगछिया नगर पंचायत में कोई गुट नहीं है, और जो है हम लोग से जितना प्रेम प्यार पार्षद को मिलता है उतना हम लोग देते हैं। रही बात विकास की बात, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले सीजन में जब पिछले यानी 2000 मेरे पिताजी के समय में जो काम होता था नगर पंचायत में, शायद वैसा काम अभी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हम खेद जताना चाह रहे हैं अपने पब्लिक को कि हम लोग वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं 2 गुट के कारण, और हमको वैसा पदाधिकारी मिल गया है जो कि बार बार टेलीफोन करते हैं और बार बार लिखित आवेदन देते हैं, ये काम होना चाहिए। आज 6 महीना और साल भर से हम लोग लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई ना टेंडर का प्रक्रिया हुआ है ना कोई काम हुआ है विकास का। टीएन जी, एक मतलब कि आप पद पर हैं फिर भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या रणनीति है आपकी? इसके लिए रणनीति बनाए हैं कि 9 तारीख को बैठक है जी। नगर पंचायत में जी। तो उसमें है कि हम अपना योजना जो है टोटल नगर पंचायत के तरफ से योजना लिख के देंगे, और जो दिक्कत आ रही है वो अलॉटमेंट का है, सरकार अलॉटमेंट भेज नहीं रही है जो कि यहाँ पे विकास हो, अलॉटमेंट कब करीब 2 साल से अलॉटमेंट नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसे एक सवाल था जैसे कि लोग अब पूछना शुरू करेंगे ही कि मतलब आप किस राजनीतिक पार्टी से दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, एक्चुअली हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं जी। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम अपने में, और हमको पब्लिक खुद एक ऐसे पद पे बैठा दिए हैं
जनता जनार्दन जी, हमको नहीं लगता किसी पार्टी का जरूरत है। नहीं, बिना पार्टी के आप, जैसे आप कह रहे हैं कि अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, तो जब तक पार्टी या जो सरकार में है वो आपके साथ नहीं आएगी, तो आपको तो उस तरह का कोई अलॉटमेंट और आगे कोई। एक्चुअली देखिए, हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बने हैं जी, और उसके बाद व्यक्तिगत संबंध ऊपर वाले सरकार में होगा तो निश्चित रूपेण काम होगा, चाहे पार्टी में नहीं भी रहेंगे लेकिन व्यक्तिगत संबंध है ऊपर में जो कि काम होगा। अच्छा, अभी टीएन यादव को लोग उपाध्यक्ष के रूप में जो है जानते हैं, आगे इसको क्या विधायक और सांसद के रूप में भी देखेंगे? निश्चित रूप से, अगर जो युवा के हर वर्ग चाहेंगे कि विधायक होना चाहिए, आपको बनना चाहिए जी, तो निश्चित रूप से अगर जो पार्टी, कोई भी पार्टी मुझे टिकट देती है गोपालपुर से, तो मैं जरूर बनूंगा। चलिए, इसी बीच एक कॉल है, रिसीव करते हैं। हेलो हेलो हेलो, एक कॉल है, जो भी कर रहे हैं फिर से दोबारा करें, और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक सवाल है जो कि नौगछिया में जाम बहुत ज्यादा लगता है, एक बहुत ही लाइलाज बीमारी बनता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये नौगछिया अनुमंडल प्रशासन हो, पुलिस जिला प्रशासन हो, नगर पंचायत प्रशासन हो, कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ी नजर आ रही है। नहीं, नौगछिया में इसलिए जाम लग रहा है, स्टेशन के करीब अतिक्रमित जो हुआ है जी, चाहे वो सब्जी मंडी हो, सब्जी मंडी का जगह अलग किया हुआ है रेलवे प्रशासन के तरफ से, लेकिन वहां पे सब्जी मंडी जा नहीं रहा है। उसके बाद अतिक्रमण इतने रसलपुर ढाला से लेके वैशाली होटल तक ही अतिक्रमित है, वहीं तक जाम लगता है। अगर जो इस चीज को प्रशासन सुधार दे, सब्जी मंडी को दूसरे जगह शिफ्ट कर दे, नगर पंचायत और एसडीओ साहब और रेलवे के जो आईएम साहब हैं वो बैठ के अगर जो सॉल्व कर देते हैं, तो शायद लगता है जाम से मुक्ति मिल जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी समस्या है, जाम तो एक बड़ी समस्या है, वो है अस्पताल की। टीएनजी एक साधारण सा पेट दर्द होने के बाद अगर लोग अस्पताल पहुंचता है तो उसको सीधा मायागंज रेफर कर दिया जाता है और जाम में दम टूट जाता है। ये जो है, ये अस्पताल तो सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट से है जी, लेकिन हम ऐसा बहुत जगह गए हैं, चाहे वो मायागंज हो, मायागंज भी हम अपने नाना जी का इलाज करा रहे तो देख रहे थे, लोग रोड पे जमीन पे मरा हुआ है, कहीं कोई देखने वाला नहीं, ये सरकार का लापरवाही है। आखिर ये कब तक चलेगा टीएन जी? आखिर कौन आएगा और कहां से आएगा जो स्थिति को परिवर्तन करेगा? आखिर ये तो सरकार को ही सोचना चाहिए। और रही बात, हम अपने फील्ड में आने वाले समय में नौगछिया को एक प्राइवेट हॉस्पिटल देंगे, क्या बात, निश्चित रूप है। क्या बात, हमारे भाई डॉक्टर हैं जी, अभी पीएमसीएच में है जी, छोटा भाई काठमांडू मेडिकल कॉलेज में है जी, हमारे दो मेहमान डॉक्टर हैं, हमारे एक सिस्टर डॉक्टर है जी, तो निश्चित रूप से एक नर्सिंग होम का शिलान्यास जरूर होगा आने वाले समय में। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो खास करके इस समस्या से बहुत ज्यादा, इसी बीच एक लगातार कॉल आ रहा है, कॉल रिसीव करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्ते, क्या नाम हो आपका, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी, मैं भवानीपुर से बोल रहे हैं, रोहित कुमार शर्मा नाम हुआ मेरा। इसका नाम रोहित जी, टीएन यादव लाइव है, बिल्कुल लाइव कार्यक्रम है, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, उनसे पूछना चाह रहे थे जी, कचहरी जो ग्राउंड है ना जी, जो वहाँ दौड़ने में स्टूडेंट सबको दिक्कत होता है जी, तो लाइट अगर व्यवस्था वहाँ करवा देते ना कचहरी ग्राउंड में जी। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, भवानीपुर के कॉलर हैं टीएन जी, और आपसे इन्होंने कहा है कि खिलाड़ी के लिए एकमात्र ग्राउंड कचहरी बसता है, सुबह हो शाम हो लोग पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं, और लड़कियां भी जाती हैं, महिलाएं भी जाती हैं, खासकर बिहार पुलिस हो और सब सेना की तैयारी हेतु बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, तो वहां अंधेरे में बहुत दिक्कत होता है, बिल्कुल अंधेरा है जी, अंधेरे में तो दिक्कत होता ही है। हम इनके बात से स्पष्ट हैं कि हम अपने एक आवेदन में, हम अपने लेटर पेड में लिख के एसडीओ साहब से भी मुलाकात करेंगे, फिर हम अपने विधायक से भी बात करेंगे और विधायक जी को कहेंगे इसका सॉल्यूशन करें। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा टीएन जी, एक सवाल और है कि किसी भी तरह का आपराधिक मामला होने के बाद टीएन के नाम को क्यों लोग देते हैं, या कहा जाता है कि टीएन ही इस मामले में होगा? हम तो पहले ही बताए कि वो सामाजिक तत्व जो है जी, वो हमको आगे बढ़ने नहीं देता है,
और नाम आ जाता है किसी का, मेरा अपना भाई ही मर गया जी, मेरा ड्राइवर मर गया जी, और उसमें मेरा नाम उछाला गया, नाम भी दे दिया जी, लेकिन फिर भी परिवार पे हमको भरोसा था जी, परिवार ने हमको अपना बेटा समान माना जी, परिवार लिखित आवेदन दिया, लेकिन फिर भी नहीं कुछ हुआ, लेकिन हम कोर्ट के शरण में गए जी, तो हमको न्याय मिला। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ लोग हैं और सामाजिक तत्व के ग्रुप हैं जो आपके पीछे लगे रहते हैं। हाँ जी, निश्चित हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, समाज का काम रुक जाता है हमारे जेल जाने से। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और था कि मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति है तो आखिर आपका अगला कदम क्या होगा? मान लीजिए आपको अभी रोका जा रहा है, आखिर कितने दिन तक एक बहते हुए पानी को एक कितने दिन तक कोई रोक सकता है? हम तो स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि जो संघर्ष करता है उसी का जीत होता है। हम तो अभी संघर्ष कर रहे हैं पिताजी के मरने के बाद जी, और हमको लगता है अभी और 10 साल संघर्ष करना पड़ेगा जी, और संघर्ष करेंगे। अच्छा, और मतलब कि आपको लग रहा है कि पिताजी जाने के बाद उनका कार्यभार जिस तरह आपने संभाला है और ये संघर्ष में समय जारी है। अच्छा, एक चीज और एक जो है बड़ा मुद्दा है वो है विक्रमशिला सेतु का। आप भी जाते होंगे भागलपुर, तो तकलीफ होती होगी। जी निश्चित, मैं जाता हूँ जी, भागलपुर में काम है, काम करता हूँ वहाँ जी, और जाम की समस्या तो रहती ही है जी, चाहे वो नौगछिया हॉस्पिटल से रेफर हो, रास्ते में डेथ हो जाता है जी। बिल्कुल, तो जाम का समस्या है, तो सरकार इस बार प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है पुल का जी, तो हमको लगता है कि बन जाएगा। तो पुल बनने में तो अभी समय लगेगा, तत्कालिक कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि प्रशासन या जो भी उस लेवल के जनप्रतिनिधि हैं वो फेल हो रहे हैं इसे करवाने में? देखिए, जनप्रतिनिधि फेल नहीं हो रहे, जनप्रतिनिधि का अपना काम है कि वो प्रशासन को बता रहे हैं ऐसे जाम लग रहा है, लेकिन प्रशासन का खुद ध्यान जाना चाहिए उस पर कि क्यों जाम लग रहा है, प्रशासन खुद बताए इस चीज को। एक और है, एक जो है, एक लगातार लोगों के सवाल आ रहे हैं टीएनजी आपके लिए, और लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही है, 150 से ऊपर का काटा है, लोग आपको बहुत देख रहे हैं, और इनके जो है एक सवाल है, सिंह अमर लिखते हैं कि मांस मछली हाट जो मील टोला के हनुमान मंदिर के नजदीक लगाया जा रहा है, वहां पर बिहार का महापर्व छठ मनाया गया, वहां लगातार रोजाना मांस का टुकड़ा आसपास पाया जाता है, जिस वजह से 2020 में लोगों को वहां छठ पूजा करने में दिक्कत हुई, और ये मांस मछली हाट कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता तो अच्छा होता। देखिए, ये लोग गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं जी, और मैं बताना चाह रहा हूँ जो ये जितने मांस और मछली विक्रेता हैं जी, नगर पंचायत के पीछे में इनको जगह दिया गया था जी, वहाँ रास्ता और रोड नहीं होने के कारण वहाँ पे कचरा का ढेर लगा हुआ है जी, अगर वहाँ मांस और मछली विक्रेता दुकान करते हैं तो लोग वहाँ नहीं जाएगा, कचरा जितना महकता है, कचरा का डैम्प वहीं होता है, दुकान भी उसी जगह अलाउट किया है, तो लोग मरने थोड़ी जाएगा वहाँ। तो अच्छा, एक चीज और, एक आपने ही अच्छा हुआ आपने ही चर्चा किया कि नौगछिया में कचरा डंपिंग को लेकर योजनाएं थी, वो सब क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए अभी जो है स्थिति नगर पंचायत का जी, इसको एक बात मैं खुल के बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, नगर पंचायत को दबंगता से चलाया जा रहा है जी, ठीक ना जी, नगर पंचायत को दबंगई से चलाया जा रहा है, और इसमें हम कितना भी फोन करते हैं, चाहे हम ऑफिस जाते हैं, लेकिन ऑफिस में एक ही पार्षद को छोड़ के वहाँ प्रतिनिधि ही पहुंच जाते हैं जी, तो जिसके कारण दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। अच्छा, एक और समस्या है, मतलब लगातार जो है हम लोग नौगछिया के से ही संबंधित बातें करेंगे भी, और जो भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं लगातार कमेंट बॉक्स में लिखें। और अच्छा, एक चीज और है, एक सवाल है, केशव सराफ लिखते हैं कि सर थाना के पास ओवर ब्रिज बनने वाला था, उसका क्या हुआ, वो काम अभी भी रुका हुआ है? नहीं, देखिए इसमें है केंद्र सरकार और बिहार सरकार, बिहार सरकार ने अपना काम कर चुके हैं या केंद्र सरकार अपना काम कर दिया जी, तो इसमें आधा बाकी है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी लिया गया था जी, और गवर्नमेंट में शायद उसी में कुछ
टेंशन हो रहा है इसलिए नहीं बन पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ विवाद है जी, कुछ विवाद है उसमें। एक और समस्या एक जो है एक बड़ा मुद्दा है कि नौगछिया के शायद आप हाई स्कूल के समीप पहुंचे होंगे, वो वार्ड आप ही के नगर पंचायत का है, वो पोखर बहुत गंदा रहता है और सबसे बड़ी बात है कि शहर का सारा गंदा पानी भी उसी में जाता है तालाब में और वहीं का मछली वापस बाजार में जाता है। आखिर भैया हम बताना चाह रहे हैं आखिर शहर का पानी जाएगा किस जगह पे, आखिर निकास उसको है ही नहीं जी। तो इसलिए वहां जा रहा है। आखिर भैया जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है इस तरह से तो महामारी भी फैल सकती है, कल दिन वो पोखर भरा जाएगा जी। तो मैं इसलिए अभी से ही कहना चाह रहा हूँ कि नगर पंचायत और SDO साहब जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो अपना व्यवस्था पौने हम लोग का पानी निकासी बाजार का कर दें ऐसा जगह पे जो कि अगल हट के चल जाए अलग। कॉल है देखते हैं क्या पूछ रहे हैं जी। हेलो जी सर जी नमस्कार, अपना नाम बताएं कहां से बोले सर जी। मैं बाबा विस्फोटक मक्का तकिया नवगछिया जी जी जी। आज TN यादव आपके सामने है, पूछिए सवाल जी। मैं TN यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वैशाली होटल से लेकर रसलपुर तक जो जाम लगता है वो सब नागरिक जानते हैं अच्छी तरीका से कि मतलब अतिक्रमणकारियों के कारण लगता है जी। जिस प्रकार से महानगर यानी कि भागलपुर ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, नहीं 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 वो जी 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 एक ऐसी व्यवस्था की प्रशासन की ओर से जी कि मतलब एक ही जगह से जी एक ही जगह से सब्जी मार्केट लगवाया जाए ताकि रोड खाली रह सके और आम नागरिकों को जाम से निजात मिल सके। ठीक 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 है, धन्यवाद धन्यवाद। इनका सवाल है, एक नौगछिया से पूछते हैं, इनका कहना है कि देखा जाए तो TN जी जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शहर की भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं इसकी स्थिति और बढ़ती जाएगी, दुकानों की संख्या बढ़ेगी। तो नौगछिया के जो वैशाली होटल से स्टेशन चौक तक जिसे कि आपने चर्चा भी की, इसमें जो जाम लगता है और भी बहुत जगह सब्जी हाट रहता है, तो इसके लिए क्यों नहीं विचार किया जाए कि इसका एक ही स्थान पर और एक ही जगह पर मतलब कि तैयार किया जाए, मतलब एक ही जगह लगाया जाए हाट को, जहां की क्योंकि और भी तो बड़े शहर हैं जहां इसी नगर पंचायत से लिख के गया हुआ था जी। और जगह ट्रांसफर भी हुआ है, जगह जो है वैशाली होटल के पीछे में रेलवे का जमीन है 1400 स्क्वायर फीट में वो हाट का बंदोबस्ती हुआ है जी। लेकिन प्रशासन सुस्त होने के कारण, रेलवे प्रशासन के सुस्त होने के कारण बाजार से वो जगह ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है जी। वो अगर जो चाह ले RPF इंस्पेक्टर अगर जो चाह ले या रेलवे प्रशासन चाह ले तो इस चीज को होना चाहिए, वहां पे जो जगह का बंदोबस्ती है वहीं पे लगना चाहिए। ये तो अवैध तरीके से लगा हुआ है, मतलब आपको लग रहा है कि रेलवे और स्थानीय प्रशासन इस पर जो है मुस्तैद नहीं है? हाँ, जी जी जी, अगर उनकी मुस्तैदी हो तो ये जाम की समस्या से निजात पाया जा सकता है। हाँ निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि कागज बंदोबस्ती जो हुआ है दूसरे जगह पे हुआ है, लेकिन ये बंदोबस्ती यहाँ का खुद कैंसिल हुआ है। ये बंदोबस्ती जो है वैशाली होटल के पीछे 1400 स्क्वायर फीट में ये चीज का बंदोबस्ती हुआ है। बिल्कुल, और धन्यवाद। बहुत ही आज लाइव इंटरव्यू में हमारे साथ हैं नौगछिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष TN यादव, और आप TN यादव से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9709894194, 9798994, 9708994194। एक सवाल है TN जी कि मकनपुर चौक से नौगछिया जाने में भी रोड जो सड़क जाती है उसकी भी स्थिति बहुत खराब है और बराबर खराबी रहती है। नहीं, अभी आप देखना देख रहे होंगे नाला बन रहा है, RCC नाला जी। और दोनों बगल से बन रहा है जी। और ये रोड का भी टेंडर हो चुका है जी। ये रोड भी RCC के तहत ही ढलाई होगा, जो कि आने वाले समय में ये रोड काफी मजबूत होंगे। कॉल है देखते हैं TN जी के लिए। हेलो जी जी प्रणाम, बताइए। आज TN यादव आपके सामने हैं, अपना नाम बताएं कहां से बोले सर। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी, बताएं जी, मारा हाँ। जी 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 पूछे पूछे अपना सवाल पूछे। आने जाने में बहुत सारी कठिनाई होती है। अच्छा, एक एक घंटा अगर वहाँ पे खड़ा रहना पड़ जाता है। अच्छा अच्छा जी, ट्रक नौगछिया शहर से। थैंक यू। नौगछिया शहर से इनका कहना है कि स्टेशन जाने वालों को भी काफी दिक्कतें होती हैं।
स्टेशन जाने वाले से दिक्कत, हम तो पहले भी बोल रहे हैं जितना अतिक्रमित है, चाहे रोड के बगल में कुछ सामान बेच रहा हो, कुछ रोड के बगल में सीढ़ी बना दिया हो, वो तो अतिक्रमित है, वो बिहार सरकार का है, लेकिन प्राइवेट लोग अतिक्रमित कर रहा है। अगर जो प्रशासन सख्त हो जाए तो वो अतिक्रमित टूट जाए। ऐसा भी होता है टीएन जी की वहाँ वसूली भी होती है क्या, स्टेशन रोड में बट्टी या किसी भी प्रकार का पैसा भी खुदरे दुकानदारों से वसूला जाता है? नहीं, वो नगर पंचायत से इसका बंदोबस्ती होता है जी। जो कि फुटपाथ का जी। ये बंदोबस्ती होता है फुट। अच्छा, एक 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 भी कॉलर है लेते हैं इनका। हेलो, नागपुर से जी बोल रहा हूँ जी। मैं उपाध्यक्ष महोदय को पहले धन्यवाद और बधाई देता हूँ जी कि विभाग तरह से जो ये अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं जी। और मैं एक उनके पास रखता जी, धन्यवाद। इनका सवाल है कि जिस तरह से नौगछिया के बच्चों का अच्छा बेहतर परिणाम आ रहा है, ठीक है, आप खुद स्कूलिंग किए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं, तो क्या नवगछिया में पुस्तकालय, एक पुस्तकालय है तो वो तो मृतावस्था में चला गया है, एक पुस्तकालय की अत्यावश्यकता आपको नजर आती है जिस तरह इतने विकास के कार्य हो रहे हैं? निश्चित तौर पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए जी। और मुझे लगता है कि जो लोग फ्री टाइम में उस चीज को लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं जी। बच्चों का यही है कि पुस्तकालय एक होना अनिवार्य होना चाहिए शहर में, तो कोशिश करेंगे हम ये चीज को, अपने बात को सरकार तक पहुंचाएं जी और इस चीज को बनवाएं जी। धन्यवाद। और इसी बीच दूसरे कॉलर भी हैं और उनसे भी पूछते हैं। हेलो, हेलो जी, नमस्ते, अपना नाम बताएं और कहां से बोले सर? जी जी बताए सर। हम मेरा सवाल यह है जी कि बाजार नवच्छा बाजार में जो है जी दुर्गा स्थान चौक जी जी और वैशाली चौक जी फिर उधर स्टेशन रोड, इस रास्ते में सर बहुत ज्यादा जाम लगता है। नहीं नहीं, जाम की ही चर्चा हो रही है, आप लगातार वीडियो देखें और जाम पर ही सवाल जवाब चल रहे हैं और लगातार जाम से पूछ रहे हैं। इसी बीच दूसरे कॉलर है जी। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जीएम भैया को भी नमस्कार सर। मेरी एक समस्या थी जी। मेरा घर राजेंद्र कॉलोनी हुआ जी जी। सर दोपहर और शाम के बीच में वहाँ से 25-50 ट्रैक्टर डेली गुजरते हैं जी, तो वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है, रोड पे बच्चे खेल नहीं सकते हैं, उनको दिक्कत होती है, आखिर ये नो एंट्री का पालन पे, वो रेसिडेंशियल एरिया है तो वहाँ के रहने वाले को भी दिक्कत होता है, दूसरा इसका कोई जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, फिर हम बात करेंगे। और तीसरे कॉलर हैं जो वेटिंग में हैं जी। हेलो, हेलो, बीच में लगातार कॉल आ रहा है, एक समस्या, ये राजेंद्र कॉलोनी से कॉल किए हैं और ये आपको ध्यान में देना चाहते हैं कि राजेंद्र कॉलोनी को होकर लगभग रोज 25-30 ट्रैक्टर गुजरती है और जिससे कि छोटे बच्चों को और लोगों को घर से बाहर निकलने में खेलने में भी बहुत दिक्कत होती है, उस जगह पे नो एंट्री का व्यवस्था किया जाए। आपको लगता है टीएनजी की नौगछिया में नो एंट्री का पालन होता है? जी नहीं, हमको तो नहीं लगता नो एंट्री का पालन होता है। तो आप खुद नगर पंचायत के एक पद पर विराजमान हैं और खुलेआम नियम का जो है उल्लंघन होता है। अगर जो हम अपने से नो एंट्री लगा लेंगे तो लोग के सामने में हम गलत हो जाएंगे जी। हम अपने से अगर जो किसी का गाड़ी रोक देंगे जी। तो लोग के सामने में हम गलत हो जाएंगे, प्रशासन के सामने में गलत जी। हो जाएंगे जी। हम खुद, ये अपॉर्चुनिटी प्रशासन का है जी। और इसे प्रशासन ही चुस्त और दुरुस्त करेगा। क्या बात। अच्छा चलिए, अब लगातार सवाल आता रहेगा, हम लोग बातें करते रहेंगे। टीएन जी, कुछ हम लगातार कॉलर हैं और कॉल तो आपको चाहने वाले लगातार हैं जी। हेलो जी, वरुण जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ सर आपका, कहाँ से बोले सर? मेरा नाम आनंद है, मैं मार्केट से बोल रहा हूँ जी। यादव जी को नमस्कार जी।
जी आपको जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मार्केट में जो इस तरह से बाजार एरिया में ट्रक को घुसाया जाता है दिन रात कभी भी, जिससे जाम बहुत ज्यादा रहता है, तो उस समस्या के और भी इनको देखना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो रहा है। ओके ओके सर, धन्यवाद सर। इसके बाद भी कॉलर है, लगातार वेटिंग में है। जी सर, हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोले सर? जी हम प्रीतम कुमार नगरा से बोल रहे हैं। जी जी, अपना सवाल पूछें, आज आपके सामने टीएन यादव हैं। जी जी, सबसे पहले टीएन भैया को बहुत बहुत बधाई हो। जी जी, आपको भी। और उनसे एक सवाल है कि नौगछिया में कॉलेज और जितने भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे कॉलेज में खास करके शिक्षा का स्तर जो है धीरे धीरे बहुत गिरते जा रहा है, उनपे थोड़ा इनको कुछ विचार करने की आवश्यकता है। जी जी, धन्यवाद। फिर हम दूसरे कॉलर हैं जो लाइन पर हैं और वेटिंग में हैं। जी हेलो। जी जी, कौन बोल रहे हैं सर, और कहाँ से वो बात करें सर? जी बताएं। मार्केट से क्या कहना था कि मार्केट में जो आजकल मंचले लोग बहुत घूम रहे हैं, जिनका जो मनारा है कहीं भी, इसके बारे में उनसे कुछ बोलना चाह रहे थे। जरूर, कि कुछ ऐसा कह रहे थे सब कम हो जाए। ओके ओके, धन्यवाद। लगातार तीन लोगों का कॉल हमने रिसीव किया। पहला एक सवाल था, ऐसा कहा भी जाता है कि जब पिताजी थे आपके, तो स्वर्गीय विनोद यादव जी, तो कॉलेज में भी एक तरह का एक प्रभाव था, और उनके जाने के बाद कॉलेज की कुछ स्थिति ऐसी हुई है, ये हम नहीं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, विद्यार्थी भी कहते हैं कि उनके भी नाम पर कॉलेज की स्थिति अच्छी रहती थी। ये बात सही है जी, कि मेरे फार्म हाउस के बगल में खुद जी भी कॉलेज है, तो वहाँ की स्थिति तो बहुत अच्छी थी जी, और पढ़ाई भी होता था, लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है किसी कॉलेज में जी। और लेकिन हम शिक्षक लोग से भी यही कहेंगे कि जो बच्चा अपना मेहनत करके पढ़ाई करता है, कम से कम उसको शिक्षा देने की जरूरत है जी। और एक सवाल और इसमें बीच में कॉलर आया, उसने कहा कि नौगछिया में आए दिन मंचलों की स्थिति काफी बढ़ गई है, मतलब संख्याएं बढ़ गई है, किसी लेडीज लड़कियों को छेड़ देना, कुछ उठपटिंग बातें बोलना, ये इस तरह की घटनाएं खास करके संध्या समय में ज्यादा होने लगी जी। ऐसा हुआ है जी और होता भी है जी, लेकिन ये चीज जो मंचलों की जो है, जैसे कि बाजार में चोरी होना, बहुत ज्यादा चोरी होने लगता है बाजार में, और बहुत ज्यादा केस है 4 साल में, लेकिन यही 4 साल के आप पहले का पन्ना उल्टा लीजिए, तो मुझे लगता है बाजार में एक भी चोरी नहीं होगा, नहीं हुआ होगा जी। कुछ ऐसा प्रभाव था हमारे पिताजी का, प्रभाव कहें या उसे खौफ कहें? नहीं नहीं, प्रभाव कहिए, खौफ क्यों कहिएगा, मतलब मंचलों में या जो गलत करने वाले थे उनके मन में एक डर था। डर वो स्वाभाविक बात है, होना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको तो डरना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो चोरी का लगाम था 4 साल पहले, लेकिन उसके बाद 4 साल से इतना ज्यादा बाजार में चोरी होने लगा, किसी घर से सोना चांदी जेवरात भी चोरी होने लगा, कोई घर गया, कोई शादी में अटेंड करने गया, घर में कोई लोग नहीं था, वहां चोरी हो गया। मेरे फार्म हाउस के बगल में मिलटोला है, मिलटोला गाँव में एक घर था जो सारा परिवार शादी में चल गए अटेंड करने, लेकिन यहाँ चोरी हो गया, हम भी नहीं थे, हम भी बाहर थे। क्या बात। अच्छा, टीएन जी, कभी आपको लगता है कि मतलब आप जिस तरह से लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो कुछ इन तरह के भी लोगों से आप मिलते होंगे कि जो आपके नजर से लगता है कि कुछ ना कुछ यह गड़बड़ करता होगा? बहुत सारे लड़के मिलते हैं हमसे, बासा पे फार्म हाउस पे बैठते हैं तो आते जाते देखते हैं, कॉलेज अभी तो कॉलेज खुला हुआ है तो डेली देखते हैं, लेकिन कुछ मंचला सब का भी देखते हैं, लड़का सब जो है गलत तरीके से पेश आता है वहाँ कॉलेज में। इस पर एक बार प्रशासन को एक बार तो इस पर विचार करना चाहिए कि बहन बेटी हैं किन्हीं की, वो कैसे आखिर पढ़ाई दे। शिक्षा का दो ही कॉलेज है मात्र, मदन अलिया जी बी कॉलेज एक बनारसी, सॉरी तीन कॉलेज है, बनारसी लाल है, और इसके अलावा अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ मजबूरन तो वहीं भेजना होगा। एक प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस समय कॉलेज खुलने का समय होता है जी, उस समय अगर जो आपने गश्ती गाड़ी से कुछ फोर्स
तीन कॉलेज में भेज देते हैं, चाहे वो मदन एलिया कॉलेज हो, चाहे लड़कियों के कॉलेज में खासकर ज्यादा दिक्कत है जी। लड़की के कॉलेज में तो खास करके दिक्कत होता ही है, लेकिन अब तो जीबी कॉलेज में भी लड़की का एडमिशन होने लगा, तो खैर सारे जगह एडमिशन होने लगा, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि एक एक, एक फोर्स का गठन किया जाए तो अच्छा। इसके प्रति जी, जिस तरह भागलपुर में एसएम कॉलेज रोड सब में निश्चित निश्चित गश्ती गाड़ी को नियुक्ति किया जाए प्रशासन के तरफ से, जो कि मंचलों में खौफ पैदा कर सके। एक लगातार कॉलर है जो लगातार कॉल कर रहे हैं, इनका कॉल तो कट गया लेकिन हम इधर से कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनका नंबर व्यस्त है। अच्छा एक चीज और था टीएन जी, हालांकि यह आपका व्यक्तिगत है और हम लोगों ने पहले कहा है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रश्न नहीं होगा लोगों के लिए, लेकिन हम आप बात कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि आप जो है अपने प्रेम को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए एड़ी चोटी लगा दिए थे। इसमें सिर्फ मेरा मर्जी थोड़ी है, अच्छा हम दोनों का मर्जी से ये चीज हुआ है। अच्छा अकेले कोई किसी को हासिल नहीं कर सकता है, दोनों का प्यार चाहिए तभी एक हो सकता है। आपको अच्छा आपको लगता है कि मतलब एक होने के लिए दोनों का होना चाहिए? जी निश्चित रूपेण से दोनों का हाँ और हाँ जरूरी होना चाहिए, जबरदस्ती कोई किसी को ले। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही टीएन यादव ने कि किसी के साथ होने के लिए हाँ के साथ हाथ भी होना जरूरी है, मतलब उसका साथ होना जरूरी है। लगातार कॉल आ रहा है और हम प्रयास करेंगे कि आपके कॉल जी। हेलो 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 चलिए हेलो 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 जी गुड इवनिंग जी जी, प्रश्न पूछे, अपना प्रश्न पूछे, समय काफी कम है, अपना प्रश्न पूछे। हाँ जी भैया जी, अनुकूल की हम पूछना चाह रहे थे कि बाजार में लगातार जाम लगे है जी, कोई दिक्कत लेकिन राजेंद्र कॉलोनी होकर एक रोड जाती है जो बंद होकर निकलती है मानसाट होते जी, अगर वहाँ से अगर एक रोड नहीं कर दिया जाता तो लोग बाईपास भी उसका उपयोग। ओके शुक्रिया धन्यवाद। इसी बीच अगले कॉलर है और इनका जानते हैं। हेलो हेलो, लगातार कॉल आ रहे हैं। एक इनका विचार आया हुआ है कि राजेंद्र कॉलोनी होकर एक सड़क गुजरती है जो मांग्स हाट होकर आगे बढ़ती है, अगर बाईपास की व्यवस्था कर दी जाती तो बाहर से लोग आने वाले या शहर से भागलपुर या बाहर जाने वालों को निजात मिलती। अगर जो बाईपास बनने की जगह होगी तभी तो बाईपास बनेगी। आपने वो सड़क देखी है राजेंद्र कॉलोनी होकर जो गुजरती है? राजेंद्र कॉलोनी होकर गुजरती है वो सड़क एनएससी के पास निकलता है जी। अच्छा कोई बात नहीं, एक इनका कहना था ये आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन्हें जानकारी देंगे तो एक अच्छा हो सकता है। और लगातार कमेंट आ रहा है और जो है एक लगातार पूछते जा रहे हैं, और वैसे कोई महिलाएं हैं बहनें हैं या मैं फिर से आपको नंबर बता रहा हूं कि मेरा नंबर है 9709894194। आज हमारे साथ खास मुलाकात के लाइव इंटरव्यू में हमारे साथ हैं टीएन यादव जी, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सीधे पूछ सकते हैं, लाइव है यह। और ये महज बस चूंकि हम लोग 10 मिनट लेट से प्रारंभ किए थे इसलिए अभी आपके पास 20 मिनट का समय है, 20 मिनट में आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इसी बीच अगला कॉलर है जी। हेलो सर, हम ये बोल रहे थे कि जो मकन चौक है मकनपुर चौक पर जो केबिन है उस पे जो ओवर ब्रिज बनने वाला था वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। नहीं आप जी जी शुक्रिया शुक्रिया, आपको मैं बता दूं ये कॉल जो कॉलर थे और जिन्होंने पूछा कि केबिन के बारे में, तो केबिन की चर्चा हो चुकी है। मैं अब कुछ लोगों के जो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और जो है लगातार बताते चलते हैं, कह रहे कि अजीत कुमार लिखते हैं कि वार्ड नंबर 16 भी कुछ मंचले सब ज्यादा मोटरसाइकिल, आजकल लहरिया कट बहुत ज्यादा है टीएनजी बाजार में, प्रशासन भी कहीं ना कहीं इससे पस्त रहती है ये लहरिया कट वाले बाइकर्स से। ये तो जब हम पटना में अपने छात्र जीवन में रह रहे थे जी, तो वहाँ पे भी लहरिया कट का यूज होता था, सभी युवा वर्ग लहरिया कट यूज करते थे। ये नौगछिया में बहुत ज्यादा आ गया है, तो नौगछिया में इसका मोटरसाइकिल का आवागमन ही बहुत ज्यादा है। आखिर इससे लोगों को निजात कैसे मिल सकता है या इस पर रोकथाम, कम से कम बाजार क्षेत्र में रोकथाम करने के लिए मार्केट में तो प्रशासन का होना बहुत जरूरी है जी। प्रशासन अगर जो सख्त रहे हर प्लेटफॉर्म पे तो हमें नहीं लगता है कि लोग कभी शिकायत करेंगे किसी जनप्रतिनिधि के सामने जी। इसी बीच एक कॉलर है और पूछते हैं इनसे। हेलो हेलो
जी सर, कौन बोल रहे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? आकाश बोल रहा हूँ। जी जी, आज टीएन यादव लाइव इंटरव्यू में हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं नमस्ते कहना चाहता हूँ। वैसे टीएन जी, पहले हम लोगों के साथ बहुत समय बिता चुके हैं। अच्छा अच्छा। और हम चाह रहे हैं कि नौगछिया में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो होता है मनोरंजन पार्क जी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है जी। बच्चे यहाँ पर कोई भी फिजिकली जो होता है जी वर्क नहीं कर पाते कोई, और बड़े बच्चों के लिए खेल का भी कोई खेल पार्क होना चाहिए। एक 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 ये बड़ा मुद्दा है टीएन जी, खिलाड़ियों पर प्रत्येक वर्ष या जो भी आते हैं खिलाड़ियों के प्रति उनका ध्यान बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा जो है मतलब रुचि रखने के बावजूद कहीं ना कहीं हतोत्साहित रहते हैं। अगर यहाँ का पदाधिकारी रुचि रखे जी, यहाँ के हर जैसे खेल में ही लोग आगे आते हैं, चाहे पढ़ाई में भी आगे आते हैं जी, उसके बाद खेल में भी आते हैं, तो अगर जो खेल के इधर पदाधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि अगर जो आगे आते हैं दोनों मिलके, तो शायद ये प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है खिलाड़ियों के लिए। इसी पीछे कॉलर है, उसके बाद बात करेंगे टीएन जी से। जी कौन बोले सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हेलो, अपना सवाल पूछें। जी मैं नवचिया से बोल रहा हूँ जी। लड़कियों के विषय में दी जा रही जी पंचायत की ओर से सप्ताह में अगर कैंप लगाया जाए जी, और बेटी जो एक अभियान चलता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाओ की जगह मैं चाहूंगा बेटी को सशक्त बनाओ जी। शुक्रिया, धन्यवाद सर। एक कॉलर हैं जो जिन्होंने कहा कि नौगछिया में खेल कूद के अलावे ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, जूडो, इन सब का प्रशिक्षण लड़कियों को दिया जाए, जिस तरह से मोदी जी का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनका कहना था कि उसके साथ एक लाइन और होना चाहिए कि बेटी को सशक्त बनाओ। निश्चित रूप में होना चाहिए। आए दिन जो हमारी बहन के प्रति जो हम घटना होती आ रही है जी, तो इसमें सरकार के थ्रू एक ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जो कि टैकोंडो से जुड़े हुए हो जी। और हमें लगता है कि अगर जो उसके साथ गलत हो रहा है, तो अगर जो ये चीज उसको सीखने को मिलता है तो शायद टकराव हो, जरूर होगा जी। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब ऐसी स्थिति हमारे नौगछिया में भी आने वाले दिन में हो सकती है, जो घटनाएं बड़े बड़े शहरों में होती जा रही है उसी स्थिति होती जा रही है, अगर यहाँ सशक्त नहीं होगी महिलाएं बेटियां सशक्त नहीं होगी, तो इसका बहुत बड़ा कि कभी भी कोई घटना या प्रभाव देखा जा सकता है? नहीं, घटना तो नौगछिया में आम बात हो, घटना तो हो ही रहा है महिला के साथ, परसों चार दिन पहले ही हमारे नौगछिया अंचल में हुआ है जी। तो वो महिला जो मरी जी, तो उनके साथ भी हो सकता है कि कुछ हुआ होगा जी। और आए दिन उसके बाद फिर मक्खा तकिया में हुआ, आए दिन लाश मिलती है महिला का, तो हमको लगता है कि महिला को सशक्त और बनाना चाहिए। एक एक चीज और टीएन जी, एक मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ महिलाएं उनके लिए और उनके परिवार के लिए ही होता है जरूरतमंद, मतलब उनकी जरूरत पूरी होनी चाहिए परिवार की या उनकी, इस तरह का, जबकि बेटियां हैं तो कल है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर जो ये बात अगर जो कोई लोग सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं कि सिर्फ घर में खाना बनाओ, खाना खिलाए, बच्चों को देखे, यहीं तक, क्या महिलाओं का जीवन बस इतना ही है? आखिर आज के डेट में लोग के रुपया को लक्ष्मी कहते हैं और वो लक्ष्मी बेटी को भी कहा जाता है, तो दोनों एक ही समान है जी। ठीक है, तो इसलिए बेटी को ही लक्ष्मी मानिए, रुपया को बाद में मानिए, लेकिन पहले बेटी को लक्ष्मी मानिए। क्या, क्या एक बहुत जबरदस्त विचार है, ऐसे ऐसे युवाओं की जरूरत है अभी, ऐसे युवाओं की। इनका कहना है कि बेटी मतलब रुपयों को, रुपये को लोग लक्ष्मी मानते हैं और बेटी को भी मानते हैं, तो पहले बेटी को मानिए, रुपये तो लक्ष्मी है ही, वो तो साथ ही रहे। एक कॉलर है जो लाइन पर है और बात करते हैं। हेलो जी सर, नमस्ते, अपना सवाल पूछें। जी सर, जी
जी प्रणाम। मैंने घर के छत में बना। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, एक लेडीज कॉलर हैं जो आपके लिए सवाल रखे। जी क्या सर, अपना सवाल पूछे। बिजली तार मेरे छत के ऊपर से गया है, मेरा ढलाई रुका हुआ है 3 साल से। अच्छा कहाँ से बोल रही मैडम? मुरली पंचायत से। मुरली पंचायत, ओके शुक्रिया मैडम, धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं, इसी बीच एक और कॉलर है। जी हेलो। जी प्रणाम सर, मैं सौरभ चौरसिया नगोशिया बाजार से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि आए दिन बाजार में कुछ चोरी की संख्या बढ़ चुकी है, दुकानदार चोरी के भय से सवेरे घर जा रहे हैं और अभी तक परेशान है, नगर पंचायत की तरफ से क्या मुहैया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगले कॉलर भी हैं हमारे साथ लाइन पर। जी अपना सवाल पूछें। हेलो। जी जी उपाध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूँ, बच्चों के लिए पार्क कब बनेगा? जी नवोच्छा में उस पर आपने जो सवाल किया था जी उसका संतुष्ट जवाब नहीं मिला। जी शुक्रिया। फिर हम देखिए लगातार चार चार सवाल हैं और एक तरफ से हम लोग चलेंगे, शुरुआत करेंगे। एक मुरली की महिलाएं हैं, उनका कहना है कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रशासन द्वारा घर के ऊपर से बिजली का तार या कहीं मोहल्ले से गुजार दिया जाता है, जबकि अभी भी लगभग जगह प्लास्टिक वायर्ड वाला लगा हुआ है। हाँ, लिखित आवेदन देना चाहिए बिजली विभाग में जी, ये काम जी हो जाएगा जी। अच्छा एक और है इसके बाद जिन्होंने कॉल किया, उनका कहना था कि बाजार में चोरी की संख्या लगातार इजाफा हो रही है, हालांकि आपने चर्चा किया, लेकिन उनको कि नगर पंचायत और स्थानीय प्रशासन को इसके तरफ क्या करना चाहिए, कैसी पर? हम बताना चाह रहे हैं 9 तारीख को मीटिंग है आने वाले समय में जी। तो नगर पंचायत के तरफ से हम यही प्रयास करेंगे कि सारे सिटी फुटेज सीसीटीवी लगे बाजार में, रसलपुर ढाला से लेके बाजार मक्खा तकिया धोबिनिया, उसके बाद मकनपुर चौक, ये जितना सीसीटीवी लगे उसका सीधा कंट्रोल लोकल थाने नौगछिया में, उसके बाद एसपी मैडम के ऑफिस में, उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में, और एक सेटअप नौगछिया नगर पंचायत में होना चाहिए ताकि कहीं से भी कंट्रोल किया जा सके, कहीं से भी कंट्रोल किया जा सके। अगर उस समय अगर जो चोरी होता है तो चोरी पकड़ा जाएगा। अच्छा एक एक बहुत लगा, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी है इसके रिगार्डिंग कि बच्चों के लिए जैसे कि कोई भी पदाधिकारी भी आते हैं तो उनका नौगछिया रहने का मन नहीं करता है, यह सोचकर भी कि हाँ व्यवस्थाएं नहीं है, हर चीज डेवलप हो रहा है, नौगछिया भी डेवलप हो रहा है, बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मजबूरन बच्चे घर में बैठकर मोबाइल चलाते हैं। आज का समय ऐसा हो गया है कि बच्चा जो है अगर जो जन्म लेता है तो तभी से ही मोबाइल हाथ पकड़ मोबाइल हाथ में उन्हें मोबाइल आ जाता है, तो यहाँ खेलने का सुविधा, बच्चा को मनोरंजन का सेवा करने की कोई जगह नहीं है, और जगह इसलिए नहीं है कि यहाँ सारे लोग अतिक्रमित कर लिए सरकारी जमीन को, तो जगह कहाँ से आएगा? तो पहले अतिक्रमण मुक्त कराए प्रशासन, फिर पार्क के बारे में। आपके पास कोई रणनीति है इसको लेकर? मेरे पास रणनीति है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में, हम अपना भविष्य में अगर जो हम चाहेंगे लोगों का जो ये बात है, लोगों का जो आपके प्रति राहत दुआ कि आप विधायक बने सांसद बने, नहीं विधायक नहीं भी बनेंगे तो तभी भी लोगों का हम सेवा करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे। अच्छा, क्या बात? तो हम चाहेंगे कि हम पहले, मेरा टारगेट है यहाँ पे एक नर्सिंग होम का जी। होना बहुत जरूरी है जी। इस चीज को हम हासिल कर लेंगे उसके बाद हम बच्चों के बारे में सोचेंगे, सबसे पहले खेलने से जरूरी है। टीएन जी, अभी आप किसी के पिता है, किसी बच्चे के पिता है? जी नहीं, पिता नहीं। चलिए हम कुछ मिनट के लिए आपको, एक लाइव इंटरव्यू चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि अब कुछ देर के लिए आपको हम एक पिता बनाते हैं, एक रोल करने के लिए देते हैं, आपके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, सपोज किया जाए, अभी वो जो मांग करेंगे घर में आपसे
वो ज्यादातर खेलने कूदने से संबंधित करेंगे, कहीं घुमाने की मांग करेंगे, आप व्यस्ततम टाइम में उसे कहां ले जाना सोचेंगे। दो मिनट के लिए लाइव इंटरव्यू में टीएन यादव को मैंने अपनी ओर से तीन बच्चे का पिता बनाया है और इनको मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनके पास क्या उपाय होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे व्यूवर पाठक जिन्हें लग रहा होगा कि ये मेरा सवाल है, स्थिति मेरी होगी, आप उसके बच्चों के लिए क्या करेंगे? शाम का समय है अभी का, कहेंगे कि नहीं चलिए हमारे साथ, हमको कहीं घुमाइए या कहीं कुछ करवाइए, हमको खाना खिलाने ले चलिए, मतलब घर में बोर हो गए हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? छोटा सा बस। पर्सन बहुत भारी है। जो भारी है बच्चों के सवाल पर भारी है ये सवाल, देखिए एक टीएमजी के भी चेहरे पर पसीने आ गई है जब बात अभिभावक और पिता की आई है, तो हर पिता और अभिभावक कितना बड़ा जो है वो संघर्षशाली होता है ये नजर आ रहे इनके चेहरे पर। जी। भारी इसलिए है कि हम अपना समय ही बच्चों के साथ नहीं बिता पाते हैं। अच्छा। नहीं बिता पाएंगे, लेकिन हम जो कष्ट और जो प्यार, हम भी चाहते थे कि हमारे साथ पिताजी ज्यादा समय गुजारे और हम इस चीज को देखें, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी जो है उस इस चीज को महसूस करे कि पिताजी हमको समय नहीं दे रहे, लेकिन उनके लिए हम समय निकालेंगे। जब समाज सेवा करने के लिए समय निकालते हैं तो अपने बच्चे को घुमाने के लिए भी टाइम निकालेंगे। क्या बात। अच्छा एक, चलिए बहुत बहुत लाजवाब आपने जवाब दिया, मुझे लगता आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैडम भी जब वीडियो देख रही होंगी तो उन्हें लगेगा कि नहीं इनके दिल और दिमाग में फ्यूचर प्लानिंग को लेकर है। किसी के साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है। जो है इसमें बहुत सारा चीज है कि जो है एक सवाल है कि सर मैंने लिखित सबसे दिया है बिजली ऑफिस ये लगातार कि, अच्छा इनका एक सवाल है केडी भाई का, नौगछिया में एक सार्वजनिक या बहुत ही सस्ते में सरकारी या नगर पंचायत की ओर से एक विवाह भवन भी होना चाहिए गरीबों के लिए, क्योंकि जितने होटल के चार्ज होते हैं एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं कहीं ना कहीं वो नहीं दे पाता है तो मजबूरन मंदिर में जाकर विवाह कर ले। नहीं, ये होना चाहिए जी, ये इसलिए होना चाहिए कि लोग के पास पांच धूर ही जमीन है आज के डेट में। बहुत ऐसा देखें जो पांच धूर जमीन है और किसी के पास जमीन ही नहीं है लेकिन उनके घर में चार बेटी है, वो भी अपने शादी करने के लिए सोचते होंगे कहाँ से करें। बिल्कुल। तो इसके लिए एक सरकारी विवाह भवन जरूरी हो जी। तो हम चाहेंगे कि वैसा जगह को मुक्त अतिक्रमण मुक्त कराए, क्योंकि जितना अभी सरकारी जमीन है वो अतिक्रमण है जी। तो सबके सहयोग से अंचल अंचल पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी और नगर पंचायत पदाधिकारी अगर जो चाह ले तो एक सरकारी विवाह भवन बन सकता है। हम लोग लिखित आवेदन देंगे। क्या बात इसके है। तीन मिनट के बाद हम लोग चलेंगे ट्राई बेकर में, लगातार पूछेंगे सवाल और टीएन यादव जी आज के लाइव इंटरव्यू में देंगे जवाब, लेकिन अभी तीन मिनट का समय है और लास्ट के दस मिनट में हमारा सवाल जवाब रहेगा। एक एक सवाल और टीएन जी, आपको कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद आता है जो बचपन से खेलते आ रहे थे, खेल से जुड़े हुए कौन सा खेल आपको सबसे मजा आता था? हम बचपन में अभी तक एक भी खेल नहीं खेले, लेकिन अभी में हाल फिलहाल में हम वॉलीबॉल सीखे जी। थोड़ा सोचे कुछ अपने शरीर का पसीना बहाना चाहिए। अच्छा। अपने युवक के साथ खेलना चाहिए तो हम हाल फिलहाल योगा करते हैं, योगा करते हैं जी। उतना समय ही नहीं मिल पाता हम। तो फिर आप स्वस्थ कैसे रहते हैं, इसका राज क्या है? स्वस्थ इसलिए रहते कि हम टोटल कम से कम पैदल ही हम अपना रनिंग करते हैं, जितना खेत है उतना पैदल हम लोग घूम लेते हैं। और जो है अभी कुछ टीएन जी कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे लगातार, और चूंकि लाइव इंटरव्यू है लोग देख रहे हैं, अब मैं माफी चाहता हूं कि मैं ज्यादा कॉल नहीं ले पाऊंगा, हमारे पास समय बहुत कम है, महज 10 मिनट का समय शेष है और 10 मिनट में ही हमें हर तरह की बातें कर लेनी है। आज का लाइव इंटरव्यू नौगछिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष टीएन यादव के साथ, और हमारा लाइन अभी भी चालू है, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो लास्ट में कॉल रिसीव कर सकता हूं कि 9709894194 9798094। टीएन जी कुछ सवाल है जो हमारे संपादक की टीम द्वारा, यानी हमारे जो टीम है उनके द्वारा तैयार की गई है, आपको सिर्फ जवाब देना है हाँ ना और नाम। आपके सबसे पसंदीदा फिल्म अभिनेता कौन? शाहरुख खान। किस अभिनेत्री को आप पसंद करते? अभिनेत्री काजोल। आपके बचपन से कभी ऐसा रहा कि कोई हीरोइन को देखकर आपके मन में हुआ कि नहीं ये मेरी जो है भविष्य में होने वाली ऐसी होनी चाहिए?
नहीं नहीं मेरी हीरोइन एक ही है जिसके साथ हम शादी। क्या बात है, लाजवाब, शानदार। अच्छा आप किस राजनीतिक मतलब पार्टी को पसंद करते हैं? जल्दी, हाँ ना नाम, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे आपको। जो सबसे विकास ज्यादा करेगा उसी को। चलिए, इसी पीछे कॉल आ गया है, हम कॉल रिसीव कर रहे हैं उसके बाद। जी नमस्कार जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, अपना सवाल पूछें। बोला हूँ कि वार्ड नंबर 22 के बीच में जो रास्ता जो था स्टेशन बस स्टेशन और उसमें बहुत कचरा फैला रहा था। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, लगातार ये तो मुद्दे की बात होती रहेगी, कुछ हम जानना चाह रहे थे आपसे। जी अच्छा, अगला सवाल है टीएन जी कि क्या मोदी जी को पसंद करते हैं? निश्चित रूप से हम पसंद। उन्हें किन आदत से आप पसंद करते हैं? उनकी कौन चीज आपको सबसे अच्छी लगती है? उनमें मजबूती है, दूसरे देश से लड़ने की क्षमता है जी। और लड़ भी रहे हैं जी। तो प्रधानमंत्री जी को हम मोदी जी ही ठीक है अभी जी। अच्छा, अगर आपको रामायण में रोल करने के लिए मिलता तो आप किसका अभिनय करते? हम कर्म का, रामायण में राम का करते। राम का रोल करते, क्यों करते राम का रोल? राम जो है, राम जी जो है जी। उनका रिलेशन सीता जी के साथ था जी। और वो एक ऐसे परिवार से थे जो इज्जतदार, एक राजा परिवार से बिलोंग करते थे जी। तो अगर जो उस समय में जी ये चीज हमको हो जाता कि बेटा जाओ तुम बनवासे काटो, हम वो भी काटने के लिए तैयार थे, अगर जो गलत चीज हो जाता। क्या बात है। अगला सवाल है, अगला सवाल, अगर आपको रावण के पक्ष के तरफ से एक रोल प्ले करना होता तो आप किसका रोल प्ले करते? रामायण का नाटक करना है और रावण के तरफ से एक रोल आपको मिलता तो? जब वो सो रहे होते उसका रोल करते, कुंभकर्ण का रोल करते, कुंभकर्ण का। क्या बात है, देखिए टीएन जी बिल्कुल आनंद ले रहे हैं लाइव इंटरव्यू में, यही हम होना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये इंटरव्यू आम लोगों का है, आम लोग इससे मनोरंजन। आप कुंभकर्ण का रोल करते और बाकी जितना काम किए हैं सब तो नींद पूरा कर लेते। काहे कि अभी कुंभकर्ण का रोल इसलिए हम करते जी कि अभी के समय में सवेरे 6 बजे जगते हैं, सीधा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे का हमको घर जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि नाटक में रोल पूरा करेंगे। नाटक में हो सकता था कि रोल ऐसा मिल जाए जो कि सोने लायक हो जी। सो के अपना जीवन गुजार। बात है, लाजवाब। देखिए ऐसे ही सवाल, यही होता है इंटरव्यू का, हमारा मतलब ये है कि बिल्कुल। अच्छा एक सवाल और था कि आपको टीएन जी, अगर भविष्य में आपके 10 बच्चे हों तो आप कैसे समय निकालेंगे और कैसे समय देंगे? भविष्य में ऐसा तो हो नहीं। नहीं, एक सवाल है, अगर मान लीजिए ऐसा ही हो सकता है, ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? ऐसा हो तो बच्चों के लिए समय निकालना। तो 10 बच्चों को समय कैसे देंगे आप? एक साथ समय देंगे तो 10 बच्चा एक साथ लटक जाएगा आपके। आज के डेट में दुनिया फास्ट है तो हमको भी फास्ट होने की जरूरत है। लाजवाब। अच्छा आपको मतलब पूरे विश्व में सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत देश कौन सा लगता है? हमारा तो भारत ही देश बढ़िया लगता है। क्या बात। नहीं, अगर भारत के अलावा कहीं आपका घूमने का मन हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? हम यहीं रहना पसंद करेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे? जी नहीं। क्या बात है, लाजवाब। भारत में ही घूमने का बहुत जगह है, जहाँ लोग घूम ही नहीं पा रहा है। अब भारत में ऐसा ऐसा बहुत जगह है जो कि लंदन जैसा लगता है। क्या बात, ऐसा बहुत जगह। अच्छा अभी तक में आपने जो अपने जीवन के इतने साल गुजारे तो सबसे यादगार समय कहाँ का रहा? सबसे यादगार समय हम अपने पिताजी के साथ दार्जिलिंग गए थे, सबसे फर्स्ट एंड लास्ट वही था जी। आपके लिए ये दार्जिलिंग ही सबसे यादगार रहा जी। अच्छा आगे फ्यूचर में अपने बच्चे और मैडम लोगों के साथ आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? जब आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान में जगह चूज करेंगे, तब बैठ के चूज करेंगे। हाँ, दोनों मिल के चूज करेंगे। क्या बात है, लाजवाब। एक बहुत ही जबरदस्त चीज नजर आती है। वैसे लोग देखे टीएन यादव जी से, वैसे लोग जो अपने काम के व्यस्तता के लिए बहाने बनाते हैं, ये बहाने नहीं, ये जानते हैं कि हमको चलना कैसे है और लाइफ की गाड़ी कैसे चलानी है। अच्छा एक लगातार कॉलर का कॉल आया, बहुत ज्यादा, एक बार रिसीव करते। जी सर, हेलो जी, हेलो हेलो जी, नमस्ते। जल्दी सवाल पूछें अपना, बिल्कुल अंतिम समय है इंटरव्यू का। जी जी जी, बताएं अपना सवाल पूछें।
जी नमस्कार, अपना कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। जी अपना सवाल पूछें। टीएन यादव बिल्कुल लाइव कार्यक्रम में है आपके साथ। टीएन भैया बहुत बहुत दिल से प्रणाम जी आपको भी। टीएन भैया का, टीएन भैया का बिंदास अंदाज देख के हमको एकदम दिल से एकदम वो महसूस होता है। गदगद हैं, काफी प्रसन्न जी जी जी। और टीएन भैया को हम बहुत दिन के नाम सुन रहे हैं भैया। भैया को एक बार हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे फेसबुक। देखिए भाई पर्सनल पर्सनल नहीं, अपना सवाल पूछें, अपना सवाल पूछें। देखिए आपके प्रशंसक हैं, काफी उत्साहित हैं, इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि वो फोन करने के बाद भूल गए हैं कि उनको पूछना क्या है। इन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली जो है अभी उन्होंने बोला, बोले कि फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए थे जी। लेकिन हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड लिस्ट पूरा हो गया। क्या बात है, तब तो आपको पेज बनाना पड़ेगा। पेज हम बनाए हैं फैंस ऑफ टीएन यादव जी, और जो हमको फॉलो करते हैं जी उन्हीं के, चाहे वो टीएन यादव का फैन हो या फॉलोअर हो तो उन्हीं के नाम से फैन ऑफ टीएन यादव बनाए, वो अपना रिक्वेस्ट उस पे भेज सकते हैं। अच्छा एक सवाल होगा मेरा व्यक्तिगत, हालांकि हम लोगों का सवाल की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। ज्यादातर सोशल मीडिया पर आप कपल फोटो डालते हैं, इसका क्या मतलब होता है? मतलब जब ज्यादातर छठ में का छठ का फोटो हो या कोई भी फोटो हो, आप कोई रस्म करते हैं तो फोटो जरूर डालते हैं सोशल मीडिया पर। कपल सिंगल फोटो आपका बहुत कम है, बहुत कम लोग देखते हैं। नहीं सिंगल फोटो भी है जी। तो ये मैडम मतलब डलवाती हैं कि आप डालते हैं? नहीं नहीं हम खुद डालते हैं, मैडम भी अपने आईडी से डालते हैं, हम भी अपने आईडी। क्या बात है, हम दोनों देखते हैं लाइक सबसे ज्यादा किसने। अच्छा कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता है? मतलब एक देखिए, एक बहुत बड़ा पोल खुल रहा है इंटरव्यू में, लाइव इंटरव्यू में पहली बार है कि अच्छा ऐसा कंपटीशन आप लोगों में भी होता है कि किसका लाइक कमेंट ज्यादा हो रहा है। जी अब निश्चित होता है, इसका पुरस्कार भी होता होगा कि जो जीतेंगे भाई उनको एक बात माननी होगी। नहीं पुरस्कार का बात नहीं है, शर्त के जैसा लगता है, लेकिन लेकिन उसको उनको यही लगता है कि इतना ज्यादा आपको लाइक कैसे कर देता है, तो हमको काहे नहीं करता। हम बोले अभी जानने में समय लगेगा, अभी हाथ पकड़ने के बाद जो है साथ भी देना पड़ता है और उसके बाद चलता है। बहुत लाजवाब इंटरव्यू चल रहा है और बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है, महज 5 मिनट का समय शेष है और 5 मिनट के बाद हम लोग आज के इस एपिसोड को कहेंगे विदा। लेकिन 5 मिनट के पहले कुछ लोगों का लगातार जो है टीएन जी, वो लगातार आपके प्रति लोगों का रिप्लाई आते जा रहा है, कमेंट होते जा रहा है, 1 घंटे का समय भी पूरा हो चुका है। एक दो सवाल था जो व्यक्तिगत आपसे पूछा, अगर आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप क्या करें? अमेरिका का राष्ट्रपति? हाँ, हम तो चाहेंगे पहले हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बात है, अमेरिका तो बहुत दूर के, जहाँ अच्छा। रहते हैं, जहाँ जन्म है जी, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे जी। क्या बात है। अच्छा एक 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 चीज था जिस समस्या पर हम लोग बात नहीं कर पाए और बहुत लोगों के पास सवाल भी होंगे, बाढ़ एक बहुत बड़ा समस्या है, बाढ़ और अगजनी। हर साल बाढ़ आती है, अगजनी आती है, लाखों मतलब कि संपत्ति जो है वो स्वाहा होती है, पानी में बह जाती है, किसान हो हर तरह के तबके के लोग परेशान। बाढ़ जो आता है वो ठीक बात है, लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए जो सरकार अपना अलॉटमेंट देते हैं योजना, जो टेंडर और जो कंट्रेक्टर लेते हैं जी, तो सबसे पहले तो वो अपना पेट भर लेते हैं जी, और तब ना ये काम करेंगे जी। तो हम चाहेंगे कि पहले अपना पेट न भर के पहले लोग को बचाने के लिए काम कीजिए, तब अपना पेट भरिए। यहाँ है कि आधा से अधिक हम ही खाएंगे, तब बाद में काम करेंगे, तो इसलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है, बनी हुई है जी। माफी चाहते हैं, कॉल बहुत देर से इनका नंबर आ रहा है इसलिए मैं रिसीव कर रहा हूँ जी। सर नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हेलो भैया, अंकित झा वही बोल रहे हैं जी। सवाल है जी, जो है क्या कहते हैं, कुछ शिक्षा के मुद्दे पे हम पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल सब, सरकारी विद्यालय सब जी 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 जी, तो सबसे जो है वहाँ पे एक अच्छा नहीं हो पाता है कोई भी स्कूल में, और फिर नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हो पाता, नियमित रूप से प्रैक्टिकल लैब नहीं हो पाता, नियमित रूप से खेल का अच्छा से वो नहीं हो पाता है, और जो है क्या कहते हैं, बोलने जाओ तो उल्टे गाली सुन लो।
जी धन्यवाद धन्यवाद सर, बातें करते हैं इस पर हम बिल्कुल। टीएन जी, अब इनका सवाल है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है, पढ़ाई नहीं होती है सामग्री रहने के बावजूद, और जो है कुछ लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी नहीं जाते हैं, कुछ मतलब शिक्षकों का हेडमास्टर का व्यवहार उनके प्रति वैसा बेहतर नहीं रहता, अभिभावक के अनुसार नहीं होता है। भाई जी, हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं, अगर जो सरकार सरकारी स्कूल व्यवस्था कर रहे हैं तो अगर जो सही शिक्षा मिल जाए तो हमें लगता है कि वहाँ लड़का प्रेजेंट रहेगा, अब्सेंट नहीं रहेगा, और लड़का प्राइवेट स्कूल ने सरकारी स्कूल में जाएगा जी। तो ऐसा व्यवस्था सरकार करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनका सरकारी स्कूल देखिए कैसे प्राइवेट स्कूल के तरह ही है जी। एकदम अच्छा लगता है, वहाँ से क्या करते हैं मैट्रिक का परीक्षा में भी फर्स्ट सीधा रैंक वन आता है जी। और जो प्राइवेट स्कूल नहीं दे पाता, लेकिन वो सरकार गवर्नमेंट स्कूल दे रहा है कि फर्स्ट रैंक मैट्रिक में। आपकी आपकी कोई योजनाएं हैं स्कूलिंग को लेकर, कुछ रणनीति आपने तैयार की है कभी? नहीं नहीं, रणनीति देखिए हम पहले एक ही सोच है, पहले यहाँ एक हॉस्पिटल दें उसके बाद ही कोई योजना होगा। पहले यहाँ हॉस्पिटल दें, लोग का पहले स्वास्थ्य देखेंगे, जिंदगी जिएंगे तभी तो कुछ करेंगे, जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या। लाजवाब। अच्छा, एक बस लास्ट में आपका कि आप कोई संदेशा देना चाहेंगे यहाँ के लोग और लगातार जो प्रशंसक आपके लगातार शुरू से बने हुए हैं, लोग लाइव आपको देख रहे हैं, उन्हें कोई आप संदेशा देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है यहाँ के लोगों से जी। कि अगर जो कुछ गलत हो रहा है या किसी के प्रति गलत हो रहा है तो उसके सपोर्ट में उतरना चाहिए, दब के नहीं रहना चाहिए। आज मेरे साथ ही गलत हो तो हम चाहेंगे कि ठीक है, अगर जो गलत हम किए तब तो हम अपना गलती खुद एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम गलत किए हैं, लेकिन वैसा अगर जो हम नहीं कुछ किए हैं, मेरे साथ मजबूरी है और हम चाहेंगे कि जितना लोग है चाहे किसी को बिना फंसाए हुए ही जेल भेज देता है यहाँ, बिना कुछ किए हुए नाम दे देता है जी। तो हम चाहेंगे इसी सब इस सब चीज को बंद कर देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है जी। लोग को यही संदेश देंगे कि लोग का सपोर्ट करें, जो अच्छा लोग है उनका सपोर्ट कीजिए, अच्छा। खराब लोग को दिल से निकालिए, अच्छे लोगों के साथ चलें और अच्छे रास्ते पर आगे बढ़े। तो ये लाइव इंटरव्यू लगातार एक घंटे से चल रहा है और आज के लाइव इंटरव्यू में पहली बार नौगछिया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष टीएन यादव जी थे और हम लोगों ने लगातार सवाल जवाब फोन कॉल्स और ये चलता रहा जीएस न्यूज आपके लिए लाइव इंटरव्यू की का जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक रविवार को संध्या 5 बजे से आएगा। तो आज के लिए इतना ही और मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी हो देनी हो लेनी हो तो आप टीएन यादव से संपर्क कर दे सकते हैं, और अगर आपके मन में भी किसी तरह का सवाल है या आप भी लाइव इंटरव्यू के पार्ट बनकर आम लोगों से फेस करना चाहते हो, लाइव इंटरव्यू में आना चाहते हो, यह बिल्कुल निशुल्क है, किसी भी पद पैसा और पावर की जरूरत नहीं होता है, यह आम यह आपका एपिसोड है, यह आपका चैनल है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने प्यार बरसाया, कमेंट किया, हम लोगों को प्यार दिया, हम सबों का हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और सबों को प्रणाम करते हैं। आज के लिए इतना ही, तो फिर मैं वही अंत में सबों को नमस्कार करते हुए कहूंगा कि इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जीएस न्यूज। नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज।